समय बदल रहा है और कुछ ज्यादा जल्दी से बदल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मूवी रिव्यू के फ्रेश कमाल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुभ मंगल थोड़ा ज्यादा सावधान के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुभ मंगल ज्यादा सावधान इज जस्ट लाइक टोटल बधाई हो। मैंने आपको बता दिया ना, इज जस्ट लाइक टोटल बधाई हो, इसमें थोड़ी कंटेंट में जो मैसेज दे रहा है आयुष्मान खुराना बहुत अच्छा दे रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, ये आपने मूवी लेके बहुत बड़ी गलती की मुझको जहां तक लगता है, क्योंकि जो इसकी अभी फैन बेस है या जिसकी जो कम्युनिटी है काफी छोटी है, लेकिन काफी जो अभी अंदर से दबे आ रहे थे ना, आपने वो मैसेज अच्छा उठा लिया। लेकिन नहीं चलेगा मार्केट, अभी ये मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी रूढ़िवादियाँ चल रही हैं, तो ये ट्रेलर नहीं चलेगा। मूवी में स्टार्टिंग होता है और आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बता दिया जाता है कि इसमें जो अपोजिट जेंडर ने जो सेम जेंडर्स हैं उनके ऊपर ये मूवी है, और ये बहुत हट के मूवी है, थोड़ा जल्दी से हट के ये मूवी यार। शुभ मंगल सावधान का ये पार्ट टू है, ज़्यादा सावधान, ये ज़्यादा सावधान नहीं, फुल बकचोदी। इस मूवी में जो आयुष्मान खुराना ने जो कास्ट क्रू मेंबर्स लिए हैं, टोटल बधाइयों के ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि कम बजट की मूवी बधाइयों चल गई थी। लेकिन नहीं भाई, बधाइयों चल गई थी, ये नहीं चलेगी, ये मूवी नहीं चलेगी भाई, क्योंकि इसमें आपने जो कंटेंट लिया है काफ़ी हैट्स ऑफ कंटेंट है, हर को गट्स चाहिए इस कंटेंट को लेने के लिए। कंटेंट से मूवी तो थोड़ी चल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन जो आयुष्मान खुराना ये नहीं सोच रहे कि मूवी चले, वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलाउंस दिया तो आज आपको बहुत सारी मूवीज वीडियोस और बहुत कुछ आ रहा है, इससे पहले भी था तो उसे कोई नहीं देखता था। आज आप देख के इस पर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आयुष्मान खुराना की बहुत बड़ी गलती है, थोड़ा ज़्यादा बकचोदी हो गया। जो मूवी था ये टी सीरीज का, और आपको बता दें जो जीरो मूवी आनंद एल राय ने बनाई थी उसी को इन्होंने डायरेक्ट किया, तो जीरो की तरह ये भी मूवी हो सकती है, उनकी जीरो हो सकती है जीरो, लेकिन इन्होंने कंटेंट लिया कुछ हट के, तो जीरो में एक लग सकता है या एक के आगे दो जीरो और लग सकता है, कुछ और इफेक्टिव भी मूवी हो सकती है। क्या बॉलीवुड पे ये मूवी अच्छी जमेगी? क्या इस तरह के लोग खुल के सामने आएंगे? क्या कपल सीट पे कपल बन जाएंगे? देखिए 21 फरवरी को आएगा ये मौका, आएगा और इस तरह की कंटेंट की मूवी दिखाएगा। लेकिन देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी ये ट्रेलर आया है, बेसिकली ट्रेलर आया है, इसके गाने भी आएंगे और बहुत कुछ इससे रिलेटेड आएगा। अब पब्लिक की रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट डे की कलेक्शन क्या होती है, एंड डे की कलेक्शन क्या होती है, और टोटल डे की कलेक्शन क्या होती है। तो आप ये ना सोचें कि मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें बेहतरीन आयुष्मान खुराना है और स्टोरी बहुत अच्छी है, जो कंटेंट ली जा रही है ना बहुत रियलिस्टिक है, और जरूरत है इस तरह के सोसाइटी में रहने वाले लोगों की, जरूरत है कि उन लोग कहाँ जाएंगे, आखिर फीलिंग तो भगवान ने डाली ना, तो उन लोग कहाँ जाएंगे। तो जो ट्रेलर था, ट्रेलर से साफ पता चल रहा है कि मूवी उस बेसिस पर बनाई गई है, और इन लोग को जो नहीं दिख पाते हैं, जो समाज के कारण दब जाते हैं, क्योंकि आदमी का थिंकिंग है भाई मर्द औरत से ही शादी करेगा, लेकिन ये थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंज हो चुके हैं आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में अभी भी नहीं चेंज कर पाए। तो आयुष्मान खुराना ने सोचा कि भाई कुछ हट के स्टेप्स लिया जाए और इस तरह की मूवी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दी तो भाई अब तो प्रमोट करेंगे। और इसमें जो बधाइयों के कैरेक्टर थे, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोग की जो एक्टिंग थी ना फैबुलस थी, और इतना बेहतरीन थी यार, मेरे पेरेंट्स कभी मूवी नहीं देखते और इस तरह की मूवी उन्होंने देखा, और बहुत अच्छी मूवी है भाई, कुछ लगा नहीं था, कोई बजट नहीं था, कंटेंट होनी चाहिए। तो हो सकता है आनंद ने सोचा होगा कि थोड़ा सिनॉप्सिस किया जाए और इस मूवी में थोड़ा ज्यादा कंटेंट को एक निखारा जाए। अब देखते हैं कि मूवी किस तरह से लगेगी, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये मूवी थोड़ा अच्छा जा सकती है, अब देखो क्या इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर मेरे बात की जाए, अगर मुझे ट्रेलर रिएक्शन से मेरी अगर इस क्या है, तो मेरी तो अच्छी है कि भाई अगर आप एजुकेटेड लोग हैं तो आपको पता होगा इस लेवल को, लेकिन भाई अभी भी बहुत लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा एजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात है, वो एक डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो आपको झेलना होता है। तो बस देखिए अब क्या होता है, 21 फरवरी को जब सिनेमा घर में आती है, क्या आयुष्मान खुराना वापस से हनुमान बन जाते हैं या वापस से कुछ और बन जाते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारे अच्छे कंटेंट देखने के लिए मूवी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन।